बात करने वाले हैं 25x50 की मॉडल की। जैसा कि आप ये देख पा रहे होगे पूरा ये एवोल्यूशन, तो इसको आज हम डिस्कस करेंगे, इसका फर्स्ट फ्लोर, ग्राउंड फ्लोर एंड टॉप फ्लोर। तो आज मैं बताऊंगा, ये देखिए फ्रंट से आपको ऐसा दिखने वाला है। मैं इसको थोड़ा जूम कर देके और अभी आपको दिखा देता हूँ। आसपास आपके हो सकते हैं मकान बने हो, पीछे भी मकान बने हो, आपके सामने से रोड होगा, ये उसी के लिए मैंने डिजाइन किया है। तो अगर आप चाहते हैं कि ये डिजाइन पूरा मैं एज इट इज आपको दूं, तो आप हमारी वेबसाइट पर विजिट करें, वहां पर मैंने सब कुछ अपलोड कर रखा है। तो इसी को आज हम डिस्कस करेंगे। तो फ्रंट से आप देख पा रहे हो कि ऐसा दिखेगा ये मॉडल, और ये एक विंडो है, ये विंडो है, ये विंडो, और ये थोड़ा मैंने यहाँ पर आज जो भी डिजाइन किया है उसमें थोड़ी प्रॉपर तरीके से वेंटिलेशन का ख्याल रखा है। बहुत ही ज्यादा वेंटिलेशन आप देख सकते हो, यहाँ पर पूरा ओपन घर मिलेगा और आपको बहुत ही बेहतरीन घर लगने वाला है। इसकी डिजाइनिंग की बात करें तो वो भी आप देख पा रहे होगे खुद ही, तो शायद आपको अच्छा लग रहा हो, ऐसा मुझे लगता है। अगर आपको अच्छा लगा तो कमेंट करके जरूर बताएं, पूरा डिस्कस करेंगे, बने इस वीडियो में लगातार। मैं हूं पवन झागले और आप देख रहे हो दोस्तों अपना चैनल स्मॉल हाउस प्लान। और यदि आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज जरूर सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ बेल आइकन प्रेस कर लें, जिससे मेरे आने वाले सभी सब्सक्राइब नहीं किया तो दोस्तों जरूर सब्सक्राइब करें। मैं लगातार मॉडल देता रहता हूं आप सभी के लिए, और ये भी एक रिक्वेस्टेड मॉडल था हमारे एक सब्सक्राइबर। उन्होंने बोला सर मुझे 25x50 का विद कार पार्किंग मॉडल चाहिए, तो उन्हीं के कहने पर 25x50 का विद कार पार्किंग मैंने मॉडल डिजाइन किया है। तो चलो ज्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए इसको डिस्कस कर लेते हैं। डिस्कस करने से पहले मैं हमेशा के तरीके से आपको इसको ट्रांसपेरेंट करके दिखाऊंगा। ट्रांसपेरेंसी में ये और भी आपको बेहतरीन दिखने वाला है। देखिए जैसे मैं मॉडल ट्रांसपेरेंट करता हूँ तो आपको ओरिजिनल पोजिशन दिखती है, बिल्कुल A to Z मकान की, सिर्फ आपकी दीवारें हाइड हो जाती है और अंदर से लेकर बाहर तक आपको सब दिखने वाला है, दिखेगा। अगर हम टॉप से देखते हैं तो आपको टॉप से ऐसा दिखने वाला है। ये मॉडल जो है दोस्तों 25x50 विद कार पार्किंग है, और फ्रंट से आपको ये ऐसा दिखेगा। पूरा मॉडल आप देख लें, अगर हम साइड से देखें तो आप ऐसा दिखेगा, बैक से आपको ऐसा दिखने वाला है। तो पूरा मॉडल आप देखिएगा। ये दोस्तों इसका ट्रांसपेरेंट व्यू है, मतलब कि आपको यहाँ पर दीवारें हाइड कर हो जाती हैं और बाद बाकी सब कुछ आपको अंदर तक दिखने वाला होता है। तो चलो मैं इसकी ट्रांसपेरेंसी रिमूव करके ज़्यादा समय ना वेस्ट करते हुए पूरा मॉडल डिस्कस कर लेता हूँ। तो मैं आ गया हूँ अपने ओरिजिनल मॉडल पर, और सबसे पहले आपको ले चलूँगा मैं इसकी ग्राउंड फ्लोर पर। तो जैसे आप ग्राउंड फ्लोर पर आते हैं तो फ्रंट से आपको देखिएगा ऐसा आपके मॉडल दिखने वाला है। और अगर हम इसका टॉप व्यू देखें तो आप ऐसा देख सकते हैं। ये जो मॉडल है 25x50 का विद कार पार्किंग है। और जैसे आप मेन गेट से यहाँ एंटर करते हैं तो जो मैंने मेन गेट दिया है एज अ राउंड दिया है, आप देख पा रहे हो कि आर्क इसमें बना हुआ है, यहाँ से अपनी कार को आप एंटर करा सकेंगे। और फ्रंट पे आपको देखिएगा ये आपका एक बड़ा सा विंडो है, और यहाँ पर भी एक राउंडेड विंडो दे दिया। ये सिर्फ मैंने डिजाइनिंग किया है दोस्तों, जो टेक्सचर लग रहा है वो आपको लकड़ी का टेक्सचर लग रहा होगा, लकड़ी का टेक्सचर यहाँ पर मैंने दिया है। और ये आपका विंडो है, और ये वेंटिलेशन के लिए भी एक छोटा सा विंडो है। ये आपका एक गेस्ट रूम है, आप इसको बोल सकते हैं, ठीक है, इसलिए मैंने इसको बाहर दे दिया है। और आप इससे ये मेन डोर है, इस पे भी एक विंडो दिया। वेंटिलेशन इस रूम में बहुत ही बेहतरीन होगा क्योंकि अंदर से भी है बाहर से भी है। आप जैसे एंटर करते हैं, और इसका दोस्तों अगर आपको डिटेल जाना, फुल डिटेल कि इनका साइज क्या है, तो उसके लिए आपको हमें विजिट करना पड़ेगा हमारी वेबसाइट पर, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। वहां पर जाकर आप एग्जैक्ट इसकी देखिए डायमेंशन मैंने सब यहाँ लिख रखी 2D में, आप पता कर सकते हैं। तो ये पूरा मॉडल अगर आपको और अच्छे से देखना तो आप वेबसाइट पर जरूर विजिट कर लें एक बार, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दोस्तों दे रखा है। तो ये मॉडल हो गया। अब जैसा आप एंटर करते हैं अंदर तो यहाँ से देखिएगा आपको ये पीछे 2 बेडरूम मिल जाते हैं, एक ये बेडरूम है, ये बेडरूम, इनका साइज भी बहुत ही बड़ा है, काफी बड़ा है, वो आप देख सकते हो। और मैं बात करूं इसकी तो ये देखिए मैंने बनाया है आपका किचन, जो कि ज्यादातर एरिया ओपन है। अगर आप चाहें तो यहाँ भी वेंटिलेशन के लिए आप जाली लगवा सकते हैं। और ये आपका है लेटरिन दोस्तों, ये आपका लेटरिन और बाथरूम कंबाइंड है, ये आप देख पा रहे हो, यहाँ से एंट्री है इसकी। और ये आपकी स्टेयर्स है, यहाँ से आप ऊपर जाएंगे। क्योंकि घर ज्यादा मैंने रूम यहाँ पर नहीं डिजाइन किए, ज्यादा कुछ डिजाइन नहीं किया, लेकिन फिर भी पर्याप्त 3 रूम डिजाइन हो गए हैं 25x50 में। और आपका बेहतरीन सा मॉडल है घर, जो अगर आप चाहते हैं एक बेहतरीन से घर में रहना, ओपन घर में रहना, जहाँ पे वेंटिलेशन का प्रॉपर ख्याल रखा गया है, और आप उसको डिजाइन करवा सकते हैं। तो ये तो हो गया इसका ग्राउंड फ्लोर, जहाँ पर आप पार्किंग भी व्यवस्था कर सकते हैं। अब इसको ले चलते हैं हम इसके फर्स्ट फ्लोर पर। देखिएगा फर्स्ट फ्लोर आपका ऐसा दिखने का बिल्कुल सेम टू सेम फर्स्ट फ्लोर है जैसा कि ग्राउंड फ्लोर है। सिर्फ आपको देखिए वही सारे बेडरूम, वही आपको किचन, बाथरूम और फ्रंट वाला भी, और आपको वही स्टेयर से आप जैसे आएंगे तो देखिएगा आपका बिल्कुल वही, बस ये एरिया आपको काफी सारा ओपन मिल जाता है, काफी ग्राउंड टाइप का मिल जाता है, जो आप डिपेंड करता है आप पे। अगर आपको और भी रूम की रिक्वायरमेंट है तो आप इस तरफ जो मैंने यहाँ पर ये बालकनी बनाया है, यहाँ पर भी एक सेम टू सेम ऐसा ही रूम डिजाइन करवा सकते हैं। मैंने क्यों नहीं डिजाइन किया, वेंटिलेशन की वजह से मैंने डिजाइन नहीं किया है। अगर आप चाहें तो वो आप पे डिपेंड करता है, आप यहाँ पर 4 रूम भी डिजाइन कर सकते हैं। तो ये तो इसका बिल्कुल हो गया फर्स्ट फ्लोर जो कि सेम है ग्राउंड फ्लोर के तरीके से, सारी चीजें वही है, प्रॉपर तरीके से मैनेज है। और इसको ले चलूंगा मैं इसके लास्ट फ्लोर पर, तो लास्ट फ्लोर पर मैंने सिर्फ एक रूम फ्रंट वाला ही डिजाइन किया है, बाद बाकी स्टेयर से डिजाइन कर दिए हैं जिससे आप ऊपर आए और आपको दिक्कत ना हो। बाद बाकी मैंने स्टेयर्स को ढक दिया है, देख पा रहे होगे आप। और ये आपका 2.5 फीट का बालकनी है, आप यहाँ पर कुछ भी आगे निकाल सकते हैं, चाहे तो आप उसी में एडजस्ट कर सकते हैं। तो ये पूरा मॉडल था दोस्तों 25x50 का, कैसा लगा कमेंट करके बताएं। वीडियो अच्छा लगा तो शेयर जरूर करें। अगर आपका कोई रिक्वेस्टेड मॉडल है तो मुझे कमेंट करें, मैं आपका जरूर डिजाइन करूंगा। लेकिन वहाँ पर एक बात ये हो जाती, कमेंट आ जाते हैं मेरे पास 100 या 150 लगभग दोस्तों, तो मैं प्रॉपर तरीके से सभी लोगों को तो नहीं डिजाइन कर सकता हूँ, लेकिन रैंडम मैं एक किसी का मॉडल जरूर लेता हूँ और उसी को मैं डिस्कस करता हूँ आने वाले समय में। ऐसा ही ये इस वीडियो के साथ हुआ, ऐसा ही अगले वीडियो के साथ होगा। और हमारा वीडियो अगर आपको पसंद आ रहे हो दोस्तों, प्लीज सपोर्ट कर दीजिए, थोड़ा सा चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो शेयर जरूर कर दिया करिएगा। क्योंकि अगर आप कोई भी मैप बनवाने जाते हैं तो मुझे पता है इंडिया में मैप बनवाने का भी बहुत सारा हर जगह पैसे लेते हैं, इंडिया की क्यों बात करें, तो वो बहुत ही आपको कॉस्टली पड़ता है। तो अगर आप एक नॉर्मल फैमिली से बिलोंग करते हैं तो आपको मैं लगातार लेटेस्ट अपडेटेड मॉडर्न डिजाइन देता रहता हूं, तो इसके लिए हमें सपोर्ट की बहुत ही आवश्यकता आप लोगों की। तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करना ही आपका सपोर्ट है। अपने व्हाट्सएप ग्रुप पर, फेसबुक पर आप जरूर शेयर करें। और अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो जरूर दोस्तों शेयर करें, वहां मेरा न्यूटेक नाम का फेसबुक पेज है,